इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में 15 जून की रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब थाने पर प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नशे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पलासिया थाना पहुंचे थे। उन्होंने सड़क पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसकी वजह से वहाँ जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने कई बार उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। आखिरकार पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। इस मामले पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पलासिया थाना इलाके में पबों में देर रात तक नशाखोरी चलती रहती है। कार्यकर्ता देर रात नशाखोरी कराने वाले पबों के खिलाफ पुलिस को ज्ञापन देने थाने पहुंचे थे। संगठन ने पिछले 3 महीनों से नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। लाठी चार्ज के बीच कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस मुहिम में शामिल एक कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस ने झूठी एफआईआर भी की है। इस बात का भी बजरंग दल विरोध कर रहा है। बता दें, इस प्रदर्शन में संगठन के बड़े पदाधिकारी भी शामिल थे, उन पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दल का आरोप है कि पुलिस ने उन पर साजिशाना लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन के वक्त बजरंग दल के पदाधिकारियों की मांग थी कि पुलिस कमिश्नर उनसे ज्ञापन लेने आए, लेकिन जब काफी देर तक पुलिस कमिश्नर नहीं पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देना शुरू कर दी। ये पिन निकालो यार, पिन निकालो जल्दी से। ये देखो